नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका जीएन भारत टीवी में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोरबादी स्टेज के समक्ष, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद है सालखन मुर्मू जी। हम उनसे जानेंगे कि ये 1932 खतियान को लेकर के यहाँ पे एक बैठक रखी है। हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे सर। लगातार जो है लोगों का विरोध प्रदर्शन अभी जारी है, पर कहीं ना कहीं ये लागू नहीं हुई है। देखिए, 32 का खतियान लागू कभी नहीं होगा, ये संविधान सम्मत नहीं है। हाईकोर्ट ने 2002 में इसको खारिज कर दिया है। ये केवल एक झुनझुना है, पॉलिटिकल स्टंट है। और ये जो हेमंत सोरेन साहब हैं, वो खुद विधानसभा में कहे थे हम इसको लागू नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब उसका कुर्सी डोलने लगा तो फिर चुनाव में जाने की एक परिस्थिति बन रही थी, तो उसने फिर ये सगुफा छोड़ दिया है। तो ये होना नहीं है। मेरा प्रस्ताव है कि प्रखंडवार नियोजन नीति बने और उसको लागू किया जाए। उसके तहत प्रखंड में झारखंड की जितनी नौकरियां हैं उसका 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को दे दिया जाए और उसको प्रखंड वाइज कोटा बना दिया जाए और उसी खास प्रखंड के आवेदकों से उसको भरा जाए और वहां पर आरक्षण भी आबादी के हिसाब से प्रतिशत से दे दिया जाए। इसमें खतियान की ज़रूरत नहीं है। और शहरों में जो भी लोग हैं, बाहरी भीतरी सब मामला अभी उठाना बेकार है, 10% हिस्सा उनको दे दिया जाए तो ये समाधान का रास्ता इससे निकलेगा। अन्यथा ना स्थानीय नीति बनेगी, ना आरक्षण नीति बनेगी, ना नियोजन नीति बनेगी और शिक्षित बेरोजगार लोगों के साथ ये भारी अन्याय का मामला है, अत्याचार का मामला है, शोषण का मामला है। तो इसलिए मैं प्रखंडवार नियोजन नीति के पक्ष में हूँ। नियोजन नीति को लेकर सर, खासकर जो है विद्यार्थियों में बोला जाए तो युवाओं में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिलता है सर। आए दिन धरना प्रदर्शन जो है मेन रोड को घेराव करते नजर आते हैं, चाहे वो राजभवन के समक्ष हो। नहीं, इसीलिए मैंने ये प्रस्ताव लाया है। केवल घेराव करना, आंदोलन करने से तो समाधान नहीं निकलेगा ना। तो उनके लिए भी मेरा यह संदेश है कि झारखंड में मान लो 1,00,000 नौकरी है, 90,000 नौकरी ग्रामीण क्षेत्रों को दे दो और प्रखंड वाइज कोटा बनाओ। जैसे मान लिया वो नामकुम प्रखंड है, उसको 1,000 नौकरी मिल गया कोटा में, तो नामकुम प्रखंड के आवेदकों से ही भरो और नामकुम प्रखंड में जो जातीय आबादी का अनुपात है उस अनुपात से आरक्षण दे दो। तो कोई खतियान का भी जरूरत नहीं है, फटाफट 1,000 नौकरी कम से कम नामकुम प्रखंड के लोगों को मिलेगा। नहीं तो गूंगी बहरी सरकार को तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, ये जो मैं प्रस्ताव दे रहा हूँ ना, ये आंदोलन का रूप ले सकता है। इस पर ये नवयुवक जो आक्रोशित हैं वो विचार करें, इस पर मंथन करें और इस प्रस्ताव को लेकर सरकार को घेरें। आप तो नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, अब प्रखंड वाइज नौकरी बांटिए ताकि गांव-गांव के लोगों को नौकरी मिलेगी। अन्यथा नियोजन नीति पास भी हो जाएगा, केंद्रीय स्तर से उसको फिर बांटने की कोशिश होगी, माने सेंट्रलाइज, फिर घूस चलेगा, भ्रष्टाचार होगा, गांव के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं बहुत सोच के बात को आज रखा हूँ, आप लोगों के बीच में चर्चा का विषय बने और ये जो समस्या है इसका समाधान निकले। जी सर, क्या कुछ कहेंगे सरना धर्म कोड को लेकर, आदिवासी जो है लगातार अपनी मांग रथ पर रहे सर। देखिए, हम लोगों ने 1 जनवरी को दुमका में राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह या क्रांति का घोषणा किया है और 2023 में हर हाल में सरना धर्म कोड को हम लोग लेंगे। और हमारी रणनीति का हिस्सा ये है कि नरेंद्र मोदी साहब को 2024 में चुनाव में जाना है और वो जरूर सोचते होंगे कि झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में बीजेपी की सरकार बने। तो बीजेपी की सरकार आपको बनानी है तो आदिवासी का वोट आपको लेना पड़ेगा और आदिवासी का वोट लेना है तो 2023 में सरना धर्म कोड देना होगा। तो हमने नारा दे दिया है, सरना धर्म कोड दो, आदिवासियों का वोट लो। तो हम इसको करेंगे और पारसनाथ पहाड़ में जो बबिल्ला है उस पर हम आदिवासियों का प्रथम अधिकार है, वो मारंग गुरु है, हमारी धार्मिक स्थल है, तीर्थ स्थल है, पूजा स्थल है और अंग्रेजों के प्रिवी काउंसिल लंदन कोर्ट में भी जैन वर्सेस संताल आदिवासी का मामला चला था तो वहाँ भी फैसला हमारे पक्ष में आया। और हम लोग बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, जैसे राम मंदिर का आंदोलन अयोध्या में हुआ, उन लोगों ने बाबरी मस्जिद को भी ध्वस्त कर दिया, तो हम ऐसा कुछ करना नहीं चाहते हैं। लेकिन उसी स्पिरिट में मारंग गुरु को बचाने के लिए हम बड़ा आंदोलन करेंगे राष्ट्रीय स्तर में। और अभी हम
वही पारसनाथ पहाड़ जाने वाले हैं, पीटान प्रखंड मधुबन, वहाँ नेता लोग के साथ बातचीत हुई है इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए और 10 तारीख की जो बड़ी जमावट होगी वो एक दिशा में हो, नहीं तो अचानक उबाल खा गया फिर आदमी गायब हो गया, ऐसा नहीं। तो ये सब विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। और अमित शाह के बारे में हमको इतना ही कहना है, कल वो चाईबासा आए सभा किए, लेकिन उसकी सभा में, वोट की सभा में आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं था, वो केवल हेमंत साहब को गरियाते रहे और विकास की बात करते रहे, तो इससे वोट नहीं मिलेगा। आदिवासी का वोट लेना है तो सरना धर्म कोर्ट पर बोलना होगा, कुर्मी मातों को आदिवासी नहीं बनाएंगे ये भी बात बोलना होगा। तो ये बात तो बोले नहीं हो, तो मेरे हिसाब से ये जो अमित शाह साहब यहाँ वोट का मीटिंग किए और भी करेंगे, तो ऐसा मीटिंग करने का उनका नैतिक अधिकार मेरे हिसाब से नहीं बनता है। जब आप आदिवासी वोट के लिए आएंगे, चाईबासा में मीटिंग करेंगे, साहिबगंज में करेंगे और भी कहीं आदिवासी बहुल क्षेत्रों में, तो आदिवासी के दिल की बात तो बोलना होगा ना, कि खाली वोट लेना है। तो इसलिए कल के उनके सभा को मुझे लगता है ये बेकार ही साबित हुआ है। तो उनको भी मेरा यही संदेश है, सरना धर्म कोड दो, आदिवासी का वोट लो। क्या कुछ कहेंगे सर, हेमंत सरकार आदिवासी की सरकार है पर फिर भी आदिवासियों के साथ इस तरह का अन्याय क्यों करते हैं? देखिए, हेमंत सरकार जो है ना, ये लूट झूठ और भ्रष्टाचार की सरकार है, ये नाम का आदिवासी है, काम का आदिवासी नहीं है। इसलिए हम लोग का नारा है, सोरेन खानदान का पतन जब तक नहीं होगा, आदिवासी और झारखंड का उत्थान असंभव है। और इसलिए हमको आदिवासी है बोलने में भी थोड़ा मेरा दिल नहीं मानता है। अरे आदिवासी है तो मारंग ब्रू को जैन लोग को क्यों दे देते हो, कुर्मी को आदिवासी बनाने का हस्ताक्षर क्यों कर देते हो, CNT SPD कानून को खुद क्यों तोड़ देते हो, सरना धर्म कोड के मामले पर लटकाने भटकाने का काम क्यों करते हो, और संताली भाषा को झारखंड में राजभाषा बलाओ बोलते हैं तो उर्दू भाषा की बात करता है, और संताल परगना को बेच दिया है इसने, वहाँ जिस प्रकार का हत्या हो रहा है, रेप हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, लेकिन वोट बैंक के लिए सरना आदिवासियों को ये जो हमारे ईसाई धर्म गुरु हैं और मुस्लिम वोट बैंक है उसको सौंप दिया है। तो क्या का आदिवासी है, आदिवासी है तो उसकी बोली में, उसके दिल में, दिमाग में, नीति में, कार्यक्रम में आदिवासियत झलकना चाहिए। पिता पुत्र 5 बार मुख्यमंत्री बने, ये तो आदिवासियों का गला घोंटने का ही काम कर रहे हैं, तो उनसे कोई उम्मीद हम लोग को नहीं है। इसलिए हम लोग उनके खिलाफ हैं और आगे भी हम लोग का आंदोलन उनके खिलाफ चलता रहेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि ये लोग अपने तीर्थ स्थल को बचाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं और इनका कहना है कि सरना धर्म कोड जो है वो लागू हो जाए। अब देखना यह है कि सरकार के आगे की रणनीति क्या होगी। जुड़े रहे GN भारत के साथ, नेहा की रिपोर्ट। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।